पता नहीं मैं की गई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास बसावा सिंह हॉलैंड तो, पर इस वेले बहुत ही सुंदर मुल्क ऑस्ट्रिया दे विच हां। जिस तरह तुसी जानते हो गुरु महाराज जी का फरमान है, पहला पानी जियो है तिस हरिया सब कोई। शायद शब्द विच मैं तो कोई भुल चुकना होवे तो माफ़ कर देना। अचानक जंगलों के सैर करद्या करद्या एक विशा अचानक ही मिल गया। वो विशा है, तुसी उम्मीद है कि दसन तो पहला ही समझ आओगे, पानी का विशा। तुसी देख सकते हो कि असी अज एक ऑस्ट्रिया के इलाके दे विच हाँ, बहुत ही पहाड़ी एरिया। तो इस छोटा जा जो पिंड है, शहर शहर तो नहीं कह सकते, छोटा पिंड है जो कि उसका नाम है सिमरिंग। सिमरिंग उत्थे हैं जी। सो अचानक जंगल दे विच सैर करद्या करद्या सानू आ चीज़ जो कि एक पानी इकट्ठा किया होया, तो तुसी देख सकते हो। सब तो पहला तो मैं इसकी सुंदरता की, इसकी पवित्रता की गल करा कि तुसी देख सकते हो कि पानी कितना साफ सुथरा है, कितना क्लीन है, कितना पानी। कि मैं इधर उधर फिर के देखा, कोई भी चीज़ इस दे विच नज़र नहीं आई। इन्ना साफ पानी इन्होंने किस तरह संभालिया है, ये गल मेरे समझों बाहर है। पर एक गल जरूर समझ आती है कि तुसी देख सकते हो कि यह जो पानी है, ये आले दुआले जो पहाड़ हैं, जो उसके सोमे हैं, जो पानी तो जिसको वॉटरफॉल कहते हैं, नैचुरल वॉटरफॉल, उसका पानी इतने इन्हें इकट्ठा किया है। सो तुसी देख सकते हो कि यह पानी किस तरह इकट्ठा किया, किस तरह बन लाया, इसके आले दुआले किस तरह पत्थर इन्हें बिछाया कि ता कि इसका जो बन है वो कदे टुटे ना, पानी सेफ रहे। तो इस दे नाल नाल मैं आप जी ने यह भी दसना चाहता हाँ कि इत्थे दी सुंदरता, जिस तरह मैं कल भी गल कीती सी, सुंदरता सफाई कुदरत दे नज़ारे कि वाहिगुरु ने इत्थे बहुत ही ज़्यादा बख्शिश कीती है कि इन्ना नज़ारा, इन्ना कुदरती वधिया सीन अक्सर देखने को थानू जल्दी नहीं मिलता। सो तुसी देख सकते हो जी कि ये आले दुआले पहाड़ हैं, किन्ने उच्चे पहाड़ हैं, किस तरह वो केबल बान है जो कि तार नूं जांदी है, इलैक्ट्रिक दे नाल तुसीं केबल बान नाल उपर जा सकते हो। तो इस दे नाल नाल उपर दे इस दे होटल भी हैं, तो होटलों के नाल नाल आले दुआले लोग पहाड़ दे विच काफ़ी लोग रहिंदे हैं, बहुत ही अली शान उन्हां लोकां ने अपने घर बनाए हुए हैं। सो जी मैं गल नूं फिर ध्यान विच लियावां, जो जरूरी विशा मैं समझदा हाँ अज इस थां ते खड़े होके पानी जल दे बारे विच जो सांझ है वह खास करके अज है मेरे देश भारत दे लई, सारियां स्टेटां लई, पूरे हिंदुस्तान लई, खास करके मेरे वीर मेरे परिवार पंजाबियों लई। सानू लोड़ है इस वेले पानी की कदर करन दी, पानी नूं जानन दी, जिस तरह गुरबाणी दे विच आपने शुरू च सुनिया कि पानी साडा जीवन है, पानी तो बगैर असी कुछ भी नहीं। पानी अगर खत्म हो गया जां खराब हो गया तां असी समझ लो कि साडा जीवन भी खराब हो जाना। सो मेरी अर्ज है, बेनती है, आओ असी इन्हां लोकां तो जो इंसानियत दे रस्ते ते, जो गुरु दे असली रस्ते ते अपना जीवन चलाउंदे आ, और पानी दी संभाल और बाकी कुदरत दी जो जंगल दी संभाल है, ते असी आओ सारे आपां रल मिल के आप अपने देश नूं बचाइए, पानी नूं बचाइए, पानी दी कदर करिए, पानी नूं संभालिए। जो असी वेस्ट पानी करदे हाँ, मेरे ख्याल विच उस नूं हुण समां आ चुका है कि सानूं इन्हां चीज़ां दा बहुत ख्याल करना पवेगा। अगर पानी मुक गया, पानी खराब हो गया, तो साडा जीवन खत्म हो जाएगा। तो जिन्हें भी इस धरती ते जो कुदरत है, जंगल हैं, पहाड़ हैं, जानवर हैं, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। सानू लोड़ है, आओ गुरु महाराज का वो टासरा लैके आप पानी की संभाल करिए, इस तरह जिस तरह ये करते हैं। इसको साफ रखिए, इसको असी वरतीए, जिथे लोड़ है उत्थे जरूर वरतीए, पर पानी की बूंद बूंद जो है वह साढ़े लिए बहुत कीमती है। सो पंजाब दे मेरे वासियो, मैं बेनती करा, मैं भी जिम्मेदार हाँ, आप आओ रल मिल के कोई इस तरह की सोच लईए, झोना लाना आप बंद करिए, घटाइए, और उस दे नाल नाल आप होर कोई चीज़
ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਪਰੇਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜਨਾ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਂਹ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸਮਝੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ। ਆਹ।